भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम यानी कि चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको पता ही है कि दूसरे वनडे मुकाबले में किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक ऐसी हार दी जिसका मलाल बहुत सालों तक रहेगा। 10 विकेट से टीम इंडिया को दूसरी बार ODIs में ऑस्ट्रेलिया ने हराया है और इस सीरीज को 1-1 से अब बराबरी पर ला दिया है। तो ऐसे में ये करो या मरो का मैच, डू और डाई का मैच, आखिरी मैच जो है वो चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है और वहां पर मौसम कैसा रहने वाला है। तो देखिए, एम एच चिदम्बरम स्टेडियम जिसे चेपॉक स्टेडियम भी कहा जाता है, भारत का दूसरा सबसे ओल्डेस्ट स्टेडियम है ईडन गार्डन्स के बाद। 38,000 की इसमें कैपेसिटी है बैठने की और अभी तो एक नया स्टैंड भी जो है उसका उद्घाटन हो गया था जहां पर MS धोनी भी मौजूद थे। तो मतलब ये अब जो है एक नया स्टैंड की वजह से और जो कैपेसिटी बढ़ जाएगी और अच्छा खासा स्टेडियम है, अब एक नए लुक में तैयार किया जा रहा है क्योंकि IPL 2023 भी आ रहा है। बट अगर बात करें सबसे पहले अगर पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट में अगर बात की जाए, एम एच चिदम्बरम स्टेडियम के विकेटों ने शुरू में तेज गेंदबाजों की मदद की लेकिन अब इसे धीमा माना जाता है जिससे स्पिनरों को सहायता मिलती है। आयोजन स्थल पर अब तक खेले गए 22 एकदिवसीय मैचों में दोनों पारियों में औसत स्कोर 250 के पार नहीं गया है, लेकिन हवा में बारिश के साथ तेज गेंदबाज को मैच की शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है। यानी कि पिच रिपोर्ट में यही कहना है कि भाई स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी। तो आप जिस तरह से भारत ने प्लेइंग 11 पिछले मैच में खिलाई थी शार्दुल को हटाकर, शायद आप अक्षर पटेल को वापस इस मैच में देख सकते हैं क्योंकि हमेशा से चेन्नई का जो वहाँ का वातावरण है अनुकूल रहता है वो स्पिनर्स के लिए। और आपने देखा होगा IPL में भी MS धोनी ज्यादा स्पिनर्स को तवज्जो देते हैं अपनी प्लेइंग 11 में जब भी वो चेपॉक में मैच खेलती है चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये तो हो गई पिच की बात, पर अगर आप बात करें वेदर रिपोर्ट की, तो बुधवार के लिए मौसम का पूर्वानुमान कहता है कि मैच के दिन और मैच से पहले के दिनों में ज्यादातर धूप, गर्मी और बहुत उमस होगी, पर ऐसे में बारिश भी खेल बिगाड़ सकती है क्योंकि जितनी ज्यादा उमस होगी तो उतना ज्यादा बारिश का अनुमान है। और आपने देखा होगा विशाखापट्टनम में भी बारिश का जो है अनुमान था बट हुई नहीं, बट पूरे देश में अभी जिस तरह से मौसम है तो चेन्नई में भी बारिश हो सकती है। तापमान के अनुसार ये दिन में अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और शाम को 29 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है, यानी कि बारिश की संभावना है, पर जिस तरह से वहां पर मौसम है तो ज्यादातर धूप और उमस भी रहेगी, यानी कि मिला जुला मौसम रहने वाला है। बट भारत में जिस तरह के मौसम के हालात है तो यू नेवर नो कि बारिश भी वहां पर खलल डाल सकती है, और ऐसे में अगर हुआ तो डकवर्थ लुईस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। तो जो भी टीम वहां पर टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी ही करेगी जैसे कि अब तक करती आई है पूरी सीरीज में, और फिर चेस करने को देखेगी। और इस बार देखना होगा कि क्या इंडिया की बैटिंग कोलैप्स होती है या फिर टॉप ऑर्डर पिछले मैचों से सबक लेकर रन बनाता है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।